यो व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट ओपी सीड्स। जो गए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले माइनक्राफ्ट के कुछ बहुत ही खतरनाक सीड्स जो कि आपके सर्वाइवल सीरीज स्पीड रन में बहुत ही काम आने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं हमारी पहली सीड्स के ऊपर। ओके, आप लोग जैसे ही अपने माइनक्राफ्ट के अंदर ये वाली सीड एंटर करते हो तो आप लोग यहाँ पर स्पॉन हो जाओगे और आगे की साइड आप देख सकते हो यहाँ पर एक रिबिन दिख रहा है, तो इसके अंदर आपको कूद जाना है। और आगे के साइड आप लोग देखो कोमेस्टॉन दिखेंगे, इसके यहाँ पर आ देखो जॉम्बी का स्पॉनर नजर आएगा आपको। और जॉम्बी के स्पॉनर के पास ही में दो चेस्ट मिलेगी, तो जैसे कि मैं ओपन करके दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको क्या लूट मिलने वाला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसके अंदर कुछ खास लूट नहीं होने वाला, लेकिन दूसरी वाली चेस्ट के अंदर आप लोग एक नेम टैग भी मिल जाएगा। देन आपको टीपी हो जाना है इस कोऑर्डिनेट के ऊपर। देन गई यार आपको यहाँ पर मिल जाएगा रोइन पोर्टल, जिसके अंदर आपको एक चेस्ट भी मिल जाएगा, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा ऑब्सिडियन और फ्लिंट एंड स्टील, जिससे कि आपको यहाँ पर नेदर पोर्टल को क्रिएट करना है। तो जल्दी से मैं नेदर पोर्टल इसके ऊपर बना लेता हूँ, यानी कि इसको भी यूज करते हुए आपको नेदर पोर्टल बना लेना है। और ऊपर के साइड गोल्ड का ब्लॉक है, इसको भी आप लोगों को माइन कर लेना है। ओके, फाइनली नेदर पोर्टल बन चुका है, तो देन आपको इसके अंदर जाना है। जैसे ही आप लोग अंदर जाओगे तो आप लोग स्पॉन हो जाओगे नेदर के अंदर, ओब्वियसली पता है। देन गई यार आप लोग बहुत ही प्यारी जगह पर स्पॉन हो जाओगे, इसके बाद आपको टेलीपोर्ट करना है इस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। देन आप लोग स्पॉन हो जाओगे इस जगह के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अगर आप सर्वाइवल में करोगे ओब्वियसली पता है, तो इस कोऑर्डिनेट्स पर चल कर आना पड़ेगा। और उसके बाद पहली चेस्ट के अंदर आप लोगों को इतना सारा लूट मिल जाएगा, और इसके अंदर पूरा खोखला कर देना, पूरा खो देना, देन आप लोग पहुंच जाओगे इस जगह के अंदर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो खतरनाक वाली चेस्ट पड़ी है जिसके अंदर इंचेंटमेंट शॉर्ट पड़ी है, तो इसको भी आप लोग उठा लेना। उसके बाद आपको जाना है नीचे कुछ इस तरीके से, और खतरनाक एमएलजी करते हुए वाटर बकेट की तो करना ही मत इधर के अंदर। ओके, तो फालतू की बातें छोड़ते हैं, यहाँ पर काफी सारा गोल्ड का ब्लॉक मिल जाएगा जिसको सारा का सारा माइन कर लेना है क्रिएटिव के अंदर। और उसके बाद आप लोग चेस्ट के अंदर देख सकते हो डायमंड का इंचेंटमेंट हेलमेट मिला है, और इस चेस्ट के अंदर पूरा का पूरा एक हेलमेट, जूता, गोल्ड, डायमंड, मतलब कि काफी कुछ लूट मिल गया है, तो ये सब कुछ भी आपको मिल जाएगा। फिर आपको आना इस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, और जहाँ पर आप स्पॉन होते हो आगे की साइड विलेज दिख जाएगा, और आपको जहाँ पर आप स्पॉन होते हो वहीं पर नीचे की ओर डिक करना आपको। लाइक मैं इसको खो देता हूँ, तो इसको खोने के बाद आपको नीचे पूरा डिक कर लेना है, और उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर एंड पोर्टल, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, तो इसके अंदर आप लोग जा सकते हो। इसकी खासियत आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पूरा एंड पोर्टल आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग एंड के अंदर जा सकते हो। तभी चलते हैं दूसरी सीट की। दूसरा सीड हमारा ये है जिसको देखते हुए आपको सदमा लगने वाला है। ओके, आप लोग स्पॉन होने वाले एक विलेजर के घर के आगे, तो यहाँ पर आपको एक चेस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, जिसको आपको पूरा का पूरा ले लेना है, और खाना भी कम पड़े तो ले लेना है, और हॉर्स का आर्मर भी ले लेना है, कभी काम आएगा। और उसके बाद आपको इसके घर के आगे जाना है कुछ इस तरीके से, और जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ आपको वहाँ पर जाना है। लाइक आप लोग यहाँ पर देखो एक फार्म हाउस मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको आ जाना है, और इसके आगे यहाँ पर चले जाना है। आप लोग देख सकते हो कोऑर्डिनेट्स स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर आने के बाद आपको जाना नीचे, और नीचे पूरा पूरा डिक कर लेना, या जैसे कि मैं यहाँ पर डिक कर ले रहा हूँ पूरा का पूरा, तो यहाँ मैं लंबी समय तक डिक कर लेता हूँ, कुछ मिलेगा। ओके, फाइनली हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा एंड पोर्टल। तो भाई ये पानी क्यों आ रहा है यार, ये लपड़ा आपके साथ भी होने वाला है, तो जो ऑक्सीडन मैं लेकर आया उसका यहीं पर यूज़ कर लूँगा, क्योंकि मैं तो क्रिएटिव में हूँ। आप सर्वाइवल में हो गए तो ऑक्सीडन का यूज़ मत करना भाई, वरना ख़त्म। ओके, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इसको। ओके, तो वाटर हमारा बंद हो चुका, और यहाँ पर बहुत ही बड़ी खासियत है गजर, देखो आपको सिर्फ दो ही एंड आइस चाहिएगी, मतलब कि बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, पूरा फील किया हुआ आपको सिर्फ दो ही चाहिए, और उसके बाद आप एंड के अंदर जा सकते थे। ये एक वन ऑफ द बेस्ट सीड है। ओके, इसके बाद आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर कोऑर्डिनेट्स देख सकते हो, तो इस विलेजर के घर के पीछे अंदर आपको एक नेदर पोर्टल क्रिएट कर लेना, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। फाइनली मैंने नेदर पोर्टल एक्टिवेट कर दिया, और उसके बाद आपको जाना है नेदर के अंदर, तो आप लोग देखो अभी कमाल धमाल होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि आप लोग सीधा स्पॉन होने वाले नेदर पोर्ट्रेस के ऊपर, जहाँ से आप लोग विदर स्केलेटन हेड लेके विदर को स्पॉन करके उसको किल करके नेदर स्टार ले सकते हो। तो देन हम जल्दी से जाते हैं नेदर के अंदर, और आपको दिखाते हैं हम कहाँ पर स्पॉन होने वाले हैं। ओके, फाइनली हम लोग स्पॉन हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नेदर पोर्ट्रेस के ऊपर, जहाँ पर आपको विदर स्क्लेडन भी मिलने वाला है, तो उससे आप लोग विदर स्क्लेडन हेड लेकर के विदर स्पॉन कर सकते हो। तो यार कैसे लगे आपको ये दो सीट्स बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, जल्दी से फॉर के सब्सक्राइबर करते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।